दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाले हैं होहेम आई स्टडी मोबाइल प्लस गिम्बल। दोस्तों ये जो होहेम आई स्टडी मोबाइल प्लस गिम्बल है ये इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट गिम्बल होने वाला है, बिकॉज इसमें ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि 5-6 हज़ार की रेंज में दूसरे गिम्बल्स में नहीं मिलते हैं। दोस्तों इसे मैंने अप्रॉक्स 6,500 रुपीज़ के आसपास अमेजोन से बाय किया था, तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड उसके बाद करेंगे इसका रिव्यू। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारे पास होहेम आई स्टडी मोबाइल प्लस गिम्बल का बॉक्स, जो कि कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स, देन उसके बाद जानेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस बॉक्स के पॉलीथिन में कुछ अटैच्ड है, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से ये ऑर्डर डिटेल अटैच्ड होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो ये रहा ये ऑर्डर डिटेल। तो सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में, देन उसके बाद करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स। अगर बॉक्स के बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी तगड़ा बॉक्स का बिल्ड क्वालिटी है। ऊपर की तरफ आपको आई स्टडी मोबाइल प्लस लिखा हुआ देखने को मिलता है, एंड पीछे की साइड भी गिम्बल की प्रिंटिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स। तो ये रहा काफ़ी तगड़ा और प्यारा सा गिम्बल का कैरी करने के लिए यहाँ पे कैरी केस, जो कि काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक चेन दे रखा है, तो सबसे पहले इसको चेन को ओपन करते हैं। दोस्तों इस बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे दो यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले में इस गिम्बल के बारे में बताया गया। तो आप इसे जानना चाहते हैं तो आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद और एक चीज़ मिलता है जिसमें इस होहेम एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। तो ये रहा हमारा मेन गिम्बल, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है देखने में और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में। तो इसको भी रखते हैं साइड में, एंड यहाँ पे देख लेते हैं बाकी क्या क्या हमको एक्सेसरीज मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको छोटा सा एक ट्राइपॉड मिल जाता है, जो कि काफ़ी छोटा है, जो कि आप इसे माउंट कर सकते हैं अपने गिम्बल के साथ। देन यहाँ पे USB टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिलता है, जिससे आप इस गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं। देन इस गिम्बल से आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही रहा बस इस गिम्बल के साथ मिलने वाला एक्सेसरी। तो अगर गिम्बल की ओर नज़र डाले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिम्बल कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे ये रहा होल्ड करने के लिए, देन यहाँ पे आपको यहाँ पे अंदर की साइड में यहाँ पे एक मोटर मिलता है, देन यहाँ पे एक मोटर मिलता है, देन यहाँ पे एक मोटर मिलता है, एंड यहाँ पे आपको एक होल मिलता है जहाँ से आप इस गिम्बल को माउंट कर सकते हैं। देन उसके बाद इस गिम्बल को चार्ज करने के लिए वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जहाँ से आप इस गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस गिम्बल से आप अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद इस गिम्बल के पीछे की साइड में एक ट्रिगर बटन मिलता है, जहाँ से आप क्लिक करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड गिम्बल की फ्रंट साइड में यहाँ पे फंक्शन बटन मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पावर बटन मिलता है, देन उसके बाद यहाँ पे जूम इन जूम आउट का बटन मिलता है, देन यहाँ पे एक जॉयस्टिक मिलता है। चलिए दोस्तों करते हैं इस गिम्बल को पावर ऑन। तो पावर ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको रेड बटन दिख रहा है, इसको आपको 3 सेकंड तक दबाए रखने तो ये पावर ऑन हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग जानने वाले इस गिम्बल को कैसे यूज किया जाता है और इस गिम्बल के एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। चलिए जानते हैं इस गिम्बल के फीचर्स के बारे में और इसे कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों पावर ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन को इस गिम्बल के साथ अच्छे से लगा लेना है, एंड इसको एडजस्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको रेड बटन पर क्लिक करना है 3 सेकंड तक, देन उसके बाद ये गिम्बल ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जाएगा। देन उसके बाद आपको होहेम जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, देन उसके बाद यहाँ से उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना होगा। देन उसके बाद आप इसके पूरे फीचर्स को गिम्बल से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा जॉयस्टिक, जिसको आप मूव करके अपने गिम्बल को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड अप टू डाउन, डाउन टू अप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पावर ऑन वाले बटन को सिंगल प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट एंड एंड वीडियो हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आप इसे डबल प्रेस करते हैं तो ये फोटो एंड वीडियो मोड में चला जाएगा, एंड आप फिर पर प्रेस करेंगे तो कैमरा स्विच हो जाएगा। दोस्तों इस गिम्बल में मेनली 4 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है पेन फॉलो मोड। जब आप इसे पावर ऑन करेंगे तो ये अपने आप पेन फॉलो मोड में चला जाएगा। पेन फॉलो मोड में टिल्ट एंड रोल दोनों लॉक हो जाता है, जिसके कारण गिम्बल कुछ इस तरह मूव करता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो मोड है वो है पेन एंड टिल्ट फॉलो मोड। इसमें रोल एक्सिस लॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद गिम्बल कुछ इस तरह मूव करता है, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। दोस्तों थर्ड नंबर पर जो मोड है वो है ऑल लॉक मोड। इसमें गिम्बल कुछ इस तरह एक्ट करता है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एंड लास्ट में जो मोड है वो है ऑल फॉलो मोड। इसमें गिम्बल कुछ इस तरह एक्ट कर सकता है, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये रहा 4 मोड। हर डिफरेंट मोड्स को चेंज करने के लिए आपको मोड बटन पर सिंगल प्रेस करना होगा, देन उसके बाद ये मोड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इंसेप्शन मोड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप मोड बटन पर ट्रिपल प्रेस करते हैं तो ये इंसेप्शन मोड में चला जाएगा, उसके बाद ये 600° इंसेप्शन करके ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा। और इस गिम्बल में से काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है। गिम्बल से जूम इन जूम आउट करने के लिए यहाँ पे एक स्लाइडर बटन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। दोस्तों इस गिम्बल में एक ट्रिगर बटन भी मिलता है, जिसको आप अगर प्रेस एंड होल्ड करते हो तो ये स्पॉट मोड में चला जाता है, देन उसके बाद ये गिम्बल काफ़ी फास्ट एक्ट करता है।
एंड अगर आप इस ट्रिगर बटन को डबल प्रेस करते हैं तो ये गिम्बल ऑटोमेटिक रीसेंटर हो जाएगा एंड ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। एंड दोस्तों इस गिम्बल में ऐसे काफ़ी सारे फंक्शन मिलते हैं जिसका उपयोग आप होमजॉय एप्लीकेशन को यूज करके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंसेप्शन, स्मूथ पैनोरमिक वीडियो, टाइम लैप्स, डॉली जूम इफेक्ट एक्सेट्रा, काफ़ी सारे फीचर्स का आप यूज कर पाओगे इस एप्लीकेशन से। इसके अलावा दोस्तों इस एप्लीकेशन में फेस ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप फेस ट्रैक एंड ऑब्जेक्ट ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए करते हैं इस गिम्बल की टेस्टिंग एंड देखते हैं इसका कैसा है स्टेबिलिटी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जब इस गिम्बल के साथ नॉर्मल वॉक किया तो आप इसकी स्टेबिलिटी देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्टेबल वीडियो शूट हुआ था जो आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। इसके बाद दोस्तों हमने जब इसे बिना गिम्बल के साथ शूट किया तो आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो आपको ये वीडियो में जो दिख रहा होगा ये बिना गिम्बल के साथ शूट किया हुआ वीडियो है। उसके बाद दोस्तों हमने जब गिम्बल के साथ रन करते करते वीडियो शूट किया तो आप इसमें देख सकते हैं कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हुआ बट हल्का सा शेकी हुआ है वीडियो जो आपको इसमें दिख रहा होगा। एंड लास्ट में हमने जब बिना गिम्बल से अपने फ़ोन को डायरेक्टली रन करते वक्त वीडियो शूट किया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेक शूट हुआ जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। दोस्तों इस गिम्बल में एक एक्स्ट्रा फीचर भी मिलता है जो कि है फेस ट्रैकिंग एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का ऑप्शन। दोस्तों इस गिम्बल का फेस ट्रैकिंग काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से फेस को ट्रैक कर रहा है। तो दोस्तों यही रहा बस छोटा सा वीडियो इस गिम्बल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।